हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं भी आप ही की तरह लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन कुछ हफ्ते और चलेगा या ज़्यादातर महीना भर चलेगा, और इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। लेकिन हम सब काम पे वापस तो जाएंगे ही, और आप में से वो लोग जो विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो अपने प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू करिए और तैयारी रखिए, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस जैसे ही खत्म होगा या ये महामारी जब खत्म होगी तो दुनिया भर में डिमांड फिर दोबारा से उभरेगी। मैं वेबसाइट्स देख रहा हूँ दुनिया भर की, तो बड़े चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कनाडा में करीब 25,000 ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड होगी 2023 तक। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोगों के लिए जो कनाडा जाना चाहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि कनाडा में जैसे ही कोरोना वायरस हुआ तो कनाडा में उन्होंने जो फॉरेन वर्कर्स थे उनकी री एंट्री पे बैन नहीं लगाया, जबकि और कंट्रीज ने ऐसा किया, क्योंकि तो कनाडा को फॉरेन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे सेक्टर्स में। अब जैसे ट्रकिंग की तो हम बात कर चुके हैं, और आने वाले अपने वीडियोज़ में आपको और सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। अब हम चलते हैं यूरोप में इटली की तरफ। देखिए इटली में बहुत सारे लोग मरे हैं कोरोना वायरस से, और इटली में बहुत तो इटली में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप इटली में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी आने वाले समय में। इसके अलावा यूके में, देखिए यूके ने ब्रेक्सिट किया है और वो अब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। लेकिन यूरोप में मतलब इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन वर्कर्स हैं जो ईयू के थे वो यूके में आके काम अब नहीं कर पाएंगे बिना वर्क परमिट के। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है यूके से कि वहाँ पे करीब 80 से 90 हज़ार लोगों की ज़रूरत है जो आके फार्म्स पे काम कर सकें और फल और सब्जियाँ तोड़ सकें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं नर्सेस की बहुत डिमांड है। यूके में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग में या डिग्री है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं फ्यूचर में। इसके अलावा न्यूजीलैंड में देखिए जो लोग स्टोर्स पे काम करते थे या फिर जो लोग क्लीनिंग का काम करते थे उनको अनस्किल्ड माना जाता था, लेकिन ये जो महामारी है इसने एक और चीज़ क्लियर कर दिया है कि ये जॉब्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग ट्रक चलाते हैं या ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट स्टोर में काम करते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, या सफाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो डिफरेंस है स्किल्ड और अनस्किल्ड के बीच में वो कम हो सकता है। मतलब माइग्रेशन लॉज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि एक झाड़ू लगाने वाले को स्किल्ड नहीं माना जाता था, लेकिन सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है ये इस महामारी ने हमें बता दिया है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसी तरीके की और जानकारी दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।